वेलकम टू माई चैनल। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि फूड स्पॉइल कैसे होता है। अब मैं इस वीडियो में मैं आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन फूड स्पॉइल बताऊंगी। अब देखिए, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पूरा जनरल इंट्रोडक्शन भी दिया था, ओके। इस वीडियो में इसकी उसी वीडियो की ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट टू। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव टू गेट इन टू द फूड फ्रॉम सोर्स। पहले तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, उस फूड के अंदर जाएगा एक सोर्स को ढूंढते हुए, ठीक। और वो इन्वायरमेंट की कंडीशन से क्या होगा, उसमें ग्रोथ होने लगेगा, ठीक। अब उस फूड में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा, उसको एक कंडीशन, उसको टाइम चाहिए रहता है। उस कंडीशन में वो क्या होता है, धीरे धीरे ग्रोथ होने लगती है। अगर उसको उस फूड में स्पॉइल होने के लिए अच्छा सा अगर न्यूट्रिशन उसको मिल रहा है बैक्टीरिया को, तो ख़त्म कर देगा उस फूड को, पूरा उसका फ्लेवर, उसका टेक्सचर ख़त्म कर देगा। ऐसे ही उसका वो अपने आप का एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, और जिससे फूड स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। स्पॉइलेज ऑफ सीरल्स, द मॉइस्चर कंटेन अबव 12-13% में कॉज अ स्पॉइल ऑफ सीरल। लिटिल मॉइस्चर कॉज मोल्ड ग्रोथ, एंड हाई मॉइस्चर में कॉजेस ग्रोथ ऑफ ईस्ट एंड बैक्टीरिया। माइक्रोबल कंटेन फिजिकल डैमेज, टेम्परेचर ऑल्सो सम फैक्टर लाइक एस्पर्जिलस, पेंसिलीन, म्यूकर, दिस आर कॉमन मोल्ड ऑफ प्रोड्यूस माइकोटॉक्सिन, ओके। जनरली आप एग्जांपल एक ले सकते हैं ब्रेड का। ब्रेड पे क्या होती है, मोल्ड होती है। मोल्ड उसमें कौन सी वाली होती है, म्यूकर होगी, जनरली की म्यूकर होती है। वो क्या प्रोड्यूस करेगा, माइकोटॉक्सिन। आर्कोबैक्टेरियस स्पेसिम, दिस आर ऑल अ स्पीसीज, दिस ऑल आर अ स्पीसीज कॉजेज अ स्पॉइलेज। दिस कुछ बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो कि फूड को तो कॉज करते ही हैं, पर रहना जो खेत में खेती को भी स्पॉइल करते हैं। जैसे गेहूं हो गए, गेहूं में छेद हो जाते हैं, मक्का ख़राब हो जाता है ना। दिस स्पॉइलेज ऑफ मिल्क एंड एक्सलेंट मीडियम, सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्पॉइल होने का मिल्क। जैसे मिल्क में अगर सॉइलिंग होने लगा, मतलब मिल्क फट गया है। एंड एक्सलेंट मीडियम टू श्योरिंग कॉजेज बाय स्ट्रेप्टोकोकल लैक्टिस, एंट्रोकोकाई एंड गैस। देखो, अगर वो जो मिल्क है खट्टा होगा तो किसकी हेल्प से होगा, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये क्या है, बैक्टीरिया का नाम। गैस प्रोडक्शन होगा तो कॉज बाय कॉलीफ्रॉम, ये क्लॉस्ट्रिडियम ईस्ट। और प्रोटियोलिसिस होगा, मतलब कॉज बीटर टेस्ट, कॉजेज बाय बैसिलस। माइक्रोकोकस होगा तो चेंज इन कलर एंड टेस्ट, ये क्या है, मिल्क अगर स्पॉइल होगा तो ये होगा। और किसके वजह से होगा, कौन से ऑर्गेनिजम्स की वजह से होगा, तो वो उस ऑर्गेनिजम्स के नाम भी लिखे हुए हैं, ओके। स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क। अब आता है स्पॉइलिंग ऑफ मीट। अब मीट कैसे स्पॉइल होगा, तो रो मीट इज सब्जेक्ट टू और स्पॉइलिज बाई इट्स ओन एंजाइम एंड माइक्रोबल एक्शन। एक्सेसिव ऑटोलाइज कैन कॉज स्वरिंग। फैक्टर इन्वॉल्विंग स्पॉइलिजिंग इंक्लूड द ग्रेटर कट लोड ऑफ एनिमल। देखो, जो मीट में स्पॉइल होने का कारण होता है, उसके में खुद ही एंजाइम्स जो होते हैं वो माइक्रोबल एक्शन करते हैं, ओके। जैसे रिपीट कूलिंग, फिजिकल कंडीशन ऑफ द एनिमल ड्यूरिंग अ स्लेटर एज अ लाइक फीवर, एक्सीड और फैट क्यू। अगर उस मीट में ही कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर वो तो कंडीशन स्पॉइल होने की है ही सही। जस्ट लाइक दिस, सी दिस पिक्चर, ओके। स्पॉइलेज ऑफ फिश। अब फिश कैसे स्पॉइल हो सकती है, ख़राब कैसे हो सकती है, तो स्पॉइल बाय ऑटोलाइसिस, ऑक्सीडेशन और बैक्टीरियल एक्टिविटी। अंडर द एरोबिक कंडीशन चेंज इन कलर, मीट पिगमेंट रेड कलर, ग्रीन, ब्राउन और ग्रे, ऑफ अ ऑर्डर ऑफ टेस्ट। दिस लाइक यू सी दिस पिक्चर। अब आता है स्पॉइलेज ऑफ एग्स। एग्स कैसे स्पॉइल हो सकते हैं, क्रैक लाइक लीक्स, स्टैंड और डर्टी स्पॉट्स और एक्सटीरिया ब्लड क्लॉट्स एंड ब्लड डिनीस, ट्रांसलेटिंग स्पॉट्स इन द इंटीरियर आर ऑल साइन ऑफ स्पॉइलेज। अब एग स्पॉइल कैसे हो सकता है, ये तो वो क्रेक हो, ये लीक हो, स्टेन और डर्टी हो, स्पॉट्स एक्सटीरियर हो, ब्लड क्लॉट्स हो, या तो इंटीरियर, क्या इंटीरियर भी उसका जो साइन होता है वो भी शो करता है,
किसकी वजह से होता है? तो सीडोमोनस सैटरिन कॉलीफ्रॉम बैक्टीरिया, प्रोटोस स्पीसीज एरोमोनस सेरेटिया स्पोरेटियम ऑल कॉज द रोड्स ऑफ इन एग्स लाइक दिस. ओके स्पॉइलिंग ऑफ कैन फूड. अब जो हम बाज़ार से कैन फूड लेके आते हैं वो स्पॉइल कैसे होते हैं? या तो उसमें केमिकल स्पॉइल होगा या तो बायोलॉजिकल स्पॉइल होगा. केमिकल कैसे? उसका हाइड्रोजन स्वेल हो जाएगा, डिस्कलरेशन ऑफ इनसाइड ऑफ कैन, ये कॉलिनेशन ऑफ लिक्वार, लॉस इन न्यूट्रिटिव वैल्यू. और बायोलॉजिकल स्पॉइल कैसे होगा? अटैक्ट बाय थर्मोफिलिक एंड मेसोफिलिक बैक्टीरिया. ओके दिस यू सी दिस पिक्चर्स. देखिए कैन में क्या होता है, इसका कलर ही चेंज हो जाएगा, तो उस कैन फूड जो होते हैं स्पॉइल होने लगते हैं. अब आता है वेजिटेबल्स. तो वेजिटेबल्स आर गुड सब्सट्रेट फॉर ईस्ट एंड मोल्ड बैक्टीरिया. ईस्ट और जो मोल्ड बैक्टीरिया है उनका सबसे अच्छा भोजन तो वेजिटेबल्स है. इट इंस्टेंट दैट 20% ऑफ हार्वेस्ट ऑल हार्वेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फॉर ह्यूमंस आर लॉस टू स्पॉइल बाय दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यू सी दिस वीडियो. Soft rot, one of the most common types of bacteria spoil, causes by urinary coryphora. Spot softening can also be caused by endogenous enzymes. Mold spoiling in vegetables where bacteria growth in not favor, mold are principal spoilage agent. Okay. Fruits, like a vegetables, fruits are nutrient-rich substrate, but pH fruit does not favor bacterial growth. As a result, yeast and mold are more important than bacteria in the spoil of fruit. The spoilage of food, fruit. Beer, spoil in packet beer is often due to growth of yeast Saccharomyces. This. Beer कैसे generally spoil होती है? उसका एंजाइम्स दिया है. ओके इन आइदर केस स्पॉइल्ड बाय ईस्ट रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ टर्बिडिटी ऑफ फ्लेवर एंड ऑर्डर. वाइन्स कैंडिया वैली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पॉइलिंग इन ईस्ट वाइन. दिस इज रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ वाइन एडवर्सली इफेक्ट वाइन फ्लेवर. स्पॉइलिंग कैन लीड टू फूड पॉइजनिंग. देखो स्पॉइलीज जनरली फूड पॉइजनिंग भी करता है. ठीक फूड पॉइजनिंग पे मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरी फूड पॉइजनिंग की वीडियो भी देखिएगा. ओके व्हेन समवन गेट्स सिक फ्रॉम ईटिंग फूड ड्रिंक द गॉन बैड आर कंटामिनेटेड. अगर कोई व्यक्ति खराब खाना और खराब ड्रिंक कर लेता है तो उसके अंदर भी बैड कंटामिनेटेड चले जाते हैं, जिसके कारण भी फूड पॉइजनिंग होता है. ओके फूड पॉइजनिंग जनरली आर दे आर टू काइंड ऑफ फूड पॉइजनिंग, पॉइजनिंग बाय टॉक्सिन एजेंट और बाय कम्युनिकेबल एजेंट. ओके फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन इज द प्रोसेस ट्रीटिंग एंड द हैंडलिंग फूड विद एन एम टू स्टॉप स्लो डाउन इन स्पॉइलिंग मेंटेनिंग न्यूट्रिशन वैल्यू. अगर फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, हम उस फूड को उसका टेक्सचर वैल्यू न्यूट्रिशन वैल्यू उसका फ्लेवर अगर प्रिजर्व करना है उसको बचाना है तो उसको एक लिमिटेड टेम्परेचर उसका माइक्रोब की जो ग्रोथ है उसको कम करना पड़ेगा. ओके फूड प्रिजर्वेशन प्रिंसिपल टू जनरल प्रिंसिपल. इफ़